आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग में कैसे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके इसमें लॉगिन कर सकते हैं और कैसे आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड का होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में आपको ब्रांच के थ्रू एक्टिवेशन करवाना पड़ेगा। आपके पास डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग है तो आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, आपका मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड है वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड है तो जिस मोबाइल में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी मोबाइल में वो सिम लगा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑटो वेरिफिकेशन होता है। ऑटो वेरिफिकेशन तभी हो पाएगा जब उस मोबाइल में वो मोबाइल नंबर का सिम लगा होगा। तो इसलिए दोस्तों दो चीज का आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कि आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए या फिर इंटरनेट बैंकिंग, और दूसरा आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग में कैसे आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके इसमें लॉग इन कर सकते हैं और आप कैसे इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, यू मोबाइल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से भी इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको ओपन करना है, कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको अलाउ कर लेना है। आपको पता है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो चुके हैं। अगर पहले से आपका आंध्रा बैंक में अकाउंट था तो आंध्रा बैंक सेलेक्ट करेंगे, अगर कॉरपोरेशन बैंक में था तो आप कॉरपोरेशन बैंक सेलेक्ट करेंगे। मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है तो मैं यूनियन बैंक सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज चूज करनी है, उसके बाद प्रोसीड करना है। सबसे ऊपर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड है वही आपके मोबाइल में लगा होना चाहिए, क्योंकि इसको ऑटो वेरीफाई करना होगा। अगर सिम फोन में नहीं लगा रहेगा तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा और आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि SMS चार्ज अप्लाई होगा, यानी 1.5 रुपए का चार्ज भी लगेगा। अब यहाँ पर अगर आपके मोबाइल नंबर में रिचार्ज नहीं है तो पहले आपको रिचार्ज करा लेना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिम सेलेक्ट करना है कि आपका बैंक में कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है। अगर सिम 1 है तो सिम 1 सेलेक्ट करेंगे, अगर सिम 2 है तो सिम 2 सेलेक्ट करेंगे। हमारा यहाँ पर सिम 1 है तो सिम 1 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप इस मोबाइल ऐप से मोबाइल बैंकिंग और भीम UPI फीचर यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको प्रोसीड करना है, यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल रहा है, इसको आपको ओके कर लेना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग होना जरूरी है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग नहीं रहेगा तो आप ब्रांच के थ्रू आप एक्टिवेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आपको चूज करना है। जैसे मैं यहाँ डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहता हूँ तो यहाँ डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का नंबर डालना है। बात आपको ध्यान में रखना है कि जो डेबिट कार्ड का यहाँ पर आप डिटेल डालेंगे वो आपके अकाउंट से लिंक होना चाहिए और आपका डेबिट कार्ड एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड का नंबर डालेंगे। बाद यहाँ पर आपको एक्सपायरी चूज करनी होती है, यहाँ से आप मंथ चूज करेंगे, यहाँ से आप ईयर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ATM का पिन डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा फिल करना होता है, कैप्चा यहाँ पर आपका क्वेश्चन में रहेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो इसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर 21 रहेगी, तो यहाँ पर 21 डालेंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका डेबिट कार्ड वेरीफाई होगा, डेबिट कार्ड वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पिन डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आप लॉगिन पिन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लॉगिन पिन डालेंगे। उसके बाद अगेन आपको लॉगिन पिन कंफर्म करना होता है, तो यहाँ पर आप लॉगिन पिन कंफर्म करेंगे। यहाँ पर अपना लॉगिन पिन सेट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका लॉगिन पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। उसके बाद अगेन आपको प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा, यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन पिन बनाना होता है। एक बात और ध्यान में रखना है कि जो आपका लॉगिन पिन रहेगा और ट्रांजेक्शन पिन दोनों सेम नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। और सेम नंबर भी नहीं होना चाहिए कि जैसे 111222 ऐसे आपने डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं डालना है। आपके मोबाइल नंबर में मैसेज आएगा, वो मैसेज यहाँ पर ऑटोमेटिक ये पिन डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन पिन भी सेट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली।
उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप लॉगिन पिन डाल के लॉगिन हो सकते हैं। मैंने लॉगिन पिन डाल दिया, परमिशन मांगेगा, परमिशन आपको अलाउ कर देना है। जैसे परमिशन अलाउ करेंगे तो यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करके आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर गॉट इट कर देंगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर आपका नाम रहेगा और यहाँ पर लास्ट लॉगिन बताएगा कि कब आपने लास्ट टाइम लॉगिन किया था। नीचे यहाँ पर आपको अकाउंट का सेक्शन मिल रहा है, अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अकाउंट बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी डिटेल आ जाएगी आपके अकाउंट की। यहाँ पर आप मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करके मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट पर क्लिक करके यहाँ से आप लास्ट 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ट्रांसफर पर क्लिक करके यहाँ से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर पे ही ट्रांसफर करने के लिए पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, उसके बाद ही आप ट्रांसफर कर पाएंगे। क्विक ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्विक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहीं से आपको लोन का ऑप्शन मिल जाता है, लोन पर क्लिक करेंगे तो लोन की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप FD RD अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं और आप PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं। PPF अकाउंट के यहाँ से आप डिटेल भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप किसी को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड का नंबर आ रहा है, डेबिट कार्ड को ब्लॉक या फिर अनब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से डेबिट कार्ड को ब्लॉक या फिर अनब्लॉक कर सकते हैं। नया पिन जनरेट करना चाहते हैं तो आप नया पिन भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बिल पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप किसी चीज का बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मुद्रा लोन का ऑप्शन मिलता है, मुद्रा लोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड के बारे में देख सकते हैं। अगर कोई क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो लिंक कर सकते हैं। नया अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नए क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एम पासबुक का ऑप्शन मिलेगा, से आप अपने अकाउंट का पासबुक निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर सेविंग चूज करना है, उसके बाद आपको अपना अकाउंट चूज करना है, उसके बाद यहाँ पर गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपका अकाउंट का पासबुक आ जाएगा। अगर इस पासबुक को आप ईमेल में लेना चाहते हैं तो सेंड टू ईमेल पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट का पासबुक ईमेल पर सेंड कर दिया जाएगा। PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर लेफ्ट साइड में 3 लाइन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपने इंटरनेट बैंकिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहां से आप अपना लॉगिन पिन या फिर ट्रांजैक्शन पिन चेंज कर सकते हैं। अगर रिसेट करना चाहते हैं तो रिसेट भी कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मैनेज पे का, जब आप फंड ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर आपको पे का ऑप्शन मिलता है कि बेनिफिशियरी ऐड करिए, तो यहीं से दोस्तों आप एक नया बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे, कोई दूसरा बैंक का है तो अदर बैंक चूज करेंगे और उसकी डिटेल आपको यहां पर ऐड करनी होगी। अगर आप UPI ID के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो यहां UPI ID ऐड कर सकते हैं। MMID का ऑप्शन मिलता है, MMID यहां पर ऐड कर सकते हैं। यहां पर eCash का ऑप्शन मिलता है तो यहां से आप eCash के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे साइड आपको कुछ मेनू मिल रहे हैं, जैसे यहां पर होम पेज था, अभी यहां पर आपको भीम UPI मिल रहा है। भीम UPI पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपकी UPI पेमेंट आ जाएगी। यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी UPI ID क्रिएट करनी पड़ेगी, पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बता रहा है, यानी आपका कोई भी UPI ID क्रिएट नहीं है। यहाँ पर अपनी एक UPI ID क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई एक UPI ID डालनी है। जैसे यहाँ पर मैं अपनी UPI ID कोई एक बना लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपना UPI ID बना दिया। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो UPI ID आपका वेरीफाई हो। उसके बाद आपको बैंक चूज करना है, बैंक चूज करेंगे, यहाँ से आपका अकाउंट फेच होगा। अकाउंट फेस होने के बाद आपका UPI ID क्रिएट हो जाएगा। यहाँ के बाद आपको अपना अकाउंट को सेलेक्ट करना है, नीचे आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपकी UPI ID क्रिएट हो जाएगी, उसके आपका लिमिट 1 लाख रुपए रहेगा। होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका UPI ID क्रिएट हो गया है। पे पर क्लिक करके आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं, कलेक्ट पर क्लिक करके आप किसी से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्कैन QR का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप किसी QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करके आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने अकाउंट को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं Nilesh094, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।